वेलकम एंड गुड इवनिंग ऑल। आज इस वीडियो में हम यूसेस ऑफ प्रेपोजिशंस को कंप्लीट करेंगे। यूसेस की हिंदी होती है प्रयोग, प्रेपोजिशंस का प्रयोग देखेंगे। देखिए, जो आप जानते हैं प्रेपोजिशंस इन, ऑन, बाय, इनका प्रयोग अगले वीडियो से पढ़ना शुरू करेंगे। आज हम जो यूज देख रहे हैं वह है प्रेपोजिशंस का यूज वर्ब्स के साथ, प्रेपोजिशंस का यूज नाउन्स के साथ, प्रेपोजिशंस का यूज एडजेक्टिव्स के साथ। हमें यही देखना है आज के इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो से इन, ऑन जो भी होता है, ऑलमोस्ट 30 के करीब प्रेपोजिशंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे विस्तार से। तो पहले हम देखते हैं प्रेपोजिशंस का प्रयोग वर्ब्स के साथ, फिर नाउन और फिर एडजेक्टिव के साथ देखेंगे। वर्ब्स के साथ क्या होता है, कुछ वर्ब्स है, देखिए यहाँ पे टॉक वर्ब है, यहाँ भी टॉक है और यहाँ पे शाउट है। तो वर्ब्स के साथ भी प्रेपोजिशंस का यूज किया जाता है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, राम इज टॉकिंग टू सीता, राम सीता से बातें कर रहा है। तो यहाँ पे टॉकिंग के बाद टू आया है, ऐसे ही टॉकिंग अबाउट, टॉकिंग के साथ अबाउट का भी प्रयोग होता है। वी टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, हमने अनेक वस्तुओं के बारे में बातचीत की, तो यहाँ पे भी अबाउट आया हुआ है। फिर शाउट के साथ एट का प्रयोग होता है, सेंटेंस में जब शाउट रहेगा और प्रेपोजिशंस लगाने की जरूरत पड़ेगी तो इसके साथ एट लगता है। शी गॉट वेरी एंग्री एंड स्टार्टेड शाउटिंग एट मी, वह बहुत एंग्री क्रोधित हो गई और मुझ पर चिल्लाना शुरू किया, हिंदी होती है। तो मेरा तो एक पर्पस यह है कि प्रेपोजिशंस का प्रयोग वर्ब्स के साथ होता है, देख लीजिए, देख भी रहे हैं आप, लेकिन इसके साथ एक और पर्पस है। हमें यह भी याद रखना है कि ये वे वर्ब हैं, जो वर्ब हैं इनके साथ जो प्रेपोजिशंस का प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे। टॉक के साथ टू का ही प्रयोग होता है, यह आप जानते हैं, टॉक के साथ टू का अधिकतर प्रयोग होता है, टॉक के साथ टू का, अबाउट का भी होता है तो, लेकिन अधिकतर आप जानते हैं आई एम टॉकिंग टू समवन, तो वहां पे टू होता है। तो ये ध्यान रखना है कि टॉक के साथ टू का होता है। टू का कब होता है, जब पर्सन से हम टॉकिंग करते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं, और जब वस्तुओं से संबंधित होता है, मतलब पर्सन से नहीं वस्तुओं के बारे में बातें कर रहे होते हैं, थिंग्स के बारे में, तो वहां पे हमें यूज करना पड़ता है अबाउट का। तो आपको अभी याद रखना है कि टॉक के साथ टू भी होता है, अबाउट भी होता है, और मोस्टली टू का प्रयोग करते हैं। शाउट के साथ मोस्टली एट का प्रयोग करते हैं, जैसे वह बहुत क्रोधित हो गई और मुझ पर चिल्लाना शुरू किया, तो यहाँ पे शाउटिंग के साथ एट आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, दो पर्पस में फुलफिल करना है, एक तो वर्ब के साथ सीखना है और वर्ब के साथ जो आता है उसे ध्यान रखना है। देखिए, ब्लेम के साथ फॉर आता है, अधिकतर की बात कर रहा हूँ, इसके अतिरिक्त भी प्रेपोजिशंस आते हैं, अधिकतर जो मोस्टली हम यूज करते हैं उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। तो द ड्राइवर वॉज ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट, वाहक को घटना, दुर्घटना के लिए, एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना होता है, इंसिडेंट मतलब घटना होता है, इंसिडेंट इसकी होती है घटना, इसका दुर्घटना, ठीक है। तो ड्राइवर को दुर्घटना के लिए ब्लेम किया गया, आरोपित किया गया, तो दोषी ठहराएगा, ब्लेम मतलब दोषी ठहराना होता है, तो यहां पर ब्लेम फॉर होगा, द ड्राइवर वॉज ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट, देख रहे हैं आप। फिर केयर फॉर, केयर के साथ फॉर आता है, मतलब फॉर भी आता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैंने वर्ब के साथ उसी प्रेपोजिशन को लिखा है जिसका अधिकतर प्रयोग हम करते हैं, कोई और भी प्रेपोजिशन हो सकता है, लेकिन हमें याद करना है केयर के साथ फॉर होता है। वी शुड केयर फॉर द एनवायरमेंट, केयर फॉर मतलब देखभाल करना, तो वी शुड केयर फॉर, हमें देखभाल करना चाहिए, किसका, एनवायरमेंट का, पर्यावरण का देखभाल करना चाहिए। लुक आफ्टर का भी हिंदी वही है जो केयर फॉर का है, ही लुक्स आफ्टर हिज एलिंग मदर,
एलिंग का मतलब होता है बीमार, बीमार मदर का वह देखभाल करता है, तो अपनी बीमार मदर का देखभाल करता है। यहाँ पे लुक आफ्टर आया है, लुक्स आफ्टर आया है, लुक के साथ आफ्टर लगाते हैं। फिर है सफर के साथ मोस्टली हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, मतलब पीड़ित होना, हिंदी इसकी हो जाती है पीड़ित होना। रामू इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज, रामू हृदय रोग से पीड़ित है, तो यहाँ पे फ्रॉम आया हुआ है। डिपेंड के साथ ऑन आता है, मोस्टली माई प्रिपरेशन डिपेंड्स ऑन इंग्लिश, मेरी तैयारी अंग्रेजी पर निर्भर है, तो डिपेंड्स ऑन आया है यहाँ पे, देख सकते हैं ऑन है। विलीव के साथ इन आता है, विलीव के साथ, विलीव मतलब डिपेंड मतलब निर्भर होना, निर्भर होना। विलीव मतलब विश्वास करना, विश्वास वह है करना, वह नहीं है। वी शुड बिलीव, सॉरी यहाँ पे बिलीव्स नहीं होगा, वी शुड बिलीव इन आवर सेल्फ्स, हम लोगों को खुद पर विश्वास करना चाहिए, तो यहाँ पे बिलीव के बाद इन का प्रयोग हुआ है। तो आपके देख रहे हैं कि प्रीपोजिशंस का प्रयोग वर्ब्स के साथ कैसे होता है। डिवाइड के साथ मोस्टली इनटू आता है, द प्रॉपर्टी विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, संपत्ति दो भागों में बांटी जाएगी, तो यहाँ डिवाइडेड इनटू, यहाँ पे इनटू का यूज किया गया है। नेक्स्ट इज प्रोवाइडेड विद, प्रोवाइडेड के साथ भी मोस्टली हम विद का प्रयोग करते हैं। देखिए, माई स्कूल प्रोवाइड्स द स्टूडेंट विद बुक्स, मेरा विद्यालय विद्यार्थियों को किताबें प्रदान करता है, प्रोवाइड मतलब प्रदान करना होता है, तो प्रदान करता है, यह हुआ। आपने देख लिया था कि वर्ब्स के साथ कैसे करते हैं। अब नाउन्स के साथ भी कुछ एग्जांपल्स हैं, और मोस्टली जो प्रीपोजिशन यूज होता है उसे को लिखा गया। देखिए, चेक नाउन है, आप जानते हैं एक चेक होता है, सी एच ई सी के, पढ़ते इसको चेक है, इसकी हिंदी होती है जांच करना, और एक चेक जो हमने लिखा है यहाँ पे, चेक क्या होती है, बैंक का वो बुक होती है जिसके लीफ पर आप पैसा भरते हैं, साइन करते हैं किसी के नाम पे, तो वह पैसा ले सकता है, उसको बोलते हैं चेक बुक वाला जो होता है, उस चेक की बात कर रहे हैं। तो चेक के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। राम सेंट मी अ चेक फॉर 1000 रुपीज, राम ने भेजा मुझे एक चेक 1000 रुपये का, तो यहाँ पे ऑफ नहीं करेंगे, 1000 रुपये का चेक भेजे तो यहाँ पे ऑफ कर देंगे आप, तो कॉमन सेंस का यूज करके अपने, लेकिन यहाँ पे कॉमन सेंस नहीं चलेगा, यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर का प्रयोग करते हैं। फिर है कॉज के साथ ऑफ लगता है, कॉज का मतलब होता है कारण। Nobody knows the cause of the fire. आग का कारण किसी को नहीं पता है, चाहे कोई भी नहीं, नोबडी है तो कोई भी नहीं जानता है कारण आग का, तो आग का कारण कोई भी नहीं जानता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं cause के साथ of का प्रयोग किया गया है। Increase के साथ in का प्रयोग किया जाता है mostly. There is an increase in the number of students on Meet app. Meet app पे विद्यार्थियों की संख्या में इंक्रीज है, बढ़ोतरी है, तो यहाँ पे इंक्रीज के साथ इन का प्रयोग हुआ है। आगे इनविटेशन टू, इनविटेशन का मतलब होता है निमंत्रण, निमंत्रण के साथ टू का प्रयोग करते हैं। आई हैव गॉट इनविटेशन टू हिज बर्थडे पार्टी, उसके बर्थडे पार्टी का इनविटेशन मुझे मिला है, तो है इनविटेशन, यहाँ पे तो ऑफ कर देते आप कॉमन सेंस से, आई हैव गॉट इनविटेशन ऑफ हिज बर्थडे पार्टी, तो ऑफ नहीं होगा, यहाँ पे इनविटेशन के साथ टू का प्रयोग होता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि टू का प्रयोग करेंगे। फिर कनेक्शन के साथ विद का, मोस्टली विद का प्रयोग करते हैं। आई हैव नो कनेक्शन विद द रॉबरी, डकैती से मेरा कोई संबंध नहीं है, यहाँ पे कनेक्शन के साथ विद आया है। लिमिट टू मतलब सीमित,
देयर इज नो लिमिट टू द थिंकिंग ऑफ ह्यूमन माइंड, मानव के दिमाग के थिंकिंग का, सोच का कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ के थिंकिंग के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, आप जानते हैं पहले से, और इधर लिमिट के साथ टू का प्रयोग हम यहाँ देख रहे हैं, लिमिट टू। अब है एडजेक्टिव्स के साथ भी होता है, ये पार्टिकुलर एडजेक्टिव है, यह प्रीफर करता है कि इसके साथ टू रहे, पसंद करता है कि टू रहे। रूड, रूड मतलब असिस्ट, तो ही इज सो रूड टू रामू, वह रामू के प्रति बहुत असिस्ट है। तो रामू के प्रति तो आप कभी कभी तो यहाँ कॉमन सेंस यूज करते तो कहते कि टूवर्स होगा, फॉर होगा, अगेंस्ट होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तो रूड है तो इसके साथ टू ही होगा, ये करेक्ट यूज है, तो रूड के साथ टू का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही प्राउड ऑफ, प्राउड के साथ ऑफ, प्राउड की हिंदी होती है गर्व, अच्छी वाली, घमंड वाली गर्व नहीं यहाँ कह रहे हैं हम, अच्छी वाली। हाँ, घमंड वाला तो प्राउड होना भी नहीं चाहिए किसी में भी। मोहित इज प्राउड ऑफ हिज सिस्टर, मोहित को अपनी बहन पे गर्व है। यहाँ पे प्राउड के साथ ऑफ आता है, आप सुनते भी होंगे, मूवी में भी सुनते होंगे, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ माई सन, आई एम प्राउड ऑफ माई फादर, ये सब जो होता है प्राउड के साथ ऑफ का प्रयोग, इसे आप ध्यान रखेंगे, जो भी लिखा वर्ड उसके साथ प्रीपोजिशंस का यूज आप ध्यान रखेंगे। डिलाइटेड विद, डिलाइटेड मतलब प्रसन्न, खुश, आनंदित, डिलाइटेड मीन्स आनंदित। तो द टीचर इज डिलाइटेड विद द गुड परफॉर्मेंस ऑफ गर्ल्स, लड़कियों के अच्छे प्रदर्शन के कारण शिक्षक आनंदित हैं। तो डिलाइट के साथ विद आएगा, यहाँ परफॉर्मेंस के कारण, तो यहाँ पर कहते कि फॉर होगा, यहाँ कहते कि बाई होगा, यहाँ कुछ भी कह देते आप कॉमन सेंस है, तो ये सब कुछ नहीं होगा, यहाँ पे होगा विद, डिलाइटेड साथ विद का प्रयोग। आगे बढ़ते हुए सरप्राइज के साथ होता है बाय का प्रयोग, सरप्राइज के साथ होता है एट का भी प्रयोग। तो कब एट, कब बाय होता है इसको देखते हैं, जब हम किसी पर्सन पे सरप्राइज होंगे तो वहां पे होगा एट, और जब किसी थिंग पे हम सरप्राइज होंगे तो वहां पे होगा बाय। एवरीबॉडी वॉज सरप्राइज बाय द न्यूज, सभी लोग समाचार पर सरप्राइज थे। तो यहाँ पे समाचार तो थिंग है, इसलिए यहाँ पे सरप्राइज के साथ बाय लगेगा, सरप्राइज्ड ही होगा, सरप्राइज नहीं होगा, सरप्राइज्ड एडजेक्टिव रूप में आना चाहिए। ऐसे ही इम्प्रेस्ड मतलब प्रभावित, तो इम्प्रेस्ड के साथ विद आएगा। रोहिणी इज इम्प्रेस्ड विद हर परफॉर्मेंस, रोहिणी अपने अपनी प्रदर्शन पर इम्प्रेस है, इम्प्रेस मतलब प्रभावित है। आप कॉमन सेंस का प्रयोग करते तो कहते रोहिणी इम्प्रेस्ड बाय हर परफॉर्मेंस, यहाँ बाय जोड़ देते, कुछ और भी जोड़ देते अपने लॉजिक से, ये सब लॉजिक नहीं चलता है, हमें ध्यान रखना होता है कि इम्प्रेस के साथ विद का प्रयोग करते हैं। अब है टायर्ड ऑफ, टायर्ड मतलब थका हुआ, यह एक एडजेक्टिव हो गया, टायर्ड ऑफ, टायर्ड रहेगा तो ऑफ लगाएंगे। शी डज नॉट गेट टायर्ड ऑफ द स्टडीज, वह अध्ययन से, पढ़ाई से नहीं थकती है। तो इसको बोलते हैं टायर्ड के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं। आगे है सॉरी के साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं, मोस्टली दूसरे भी प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन मोस्टली करते हैं, और हमें ध्यान भी रखना कि सॉरी के साथ फॉर का प्रयोग करना होता है। आई एम सॉरी फॉर शाउटिंग एट यू यस्टरडे, मैं दुखित हूं जो कल मैं आप पर शाउट किया, उससे मैं दुखित हूं। तो यहाँ पे सॉरी के साथ प्रीपोजिशंस की यूज करने की जरूरत है, इसलिए इसके साथ हम फॉर का प्रयोग करेंगे। Afraid of मतलब भयभीत, Afraid of मतलब भयभीत। शालिनी इज afraid of dogs, शालिनी कुत्तों से भयभीत है। तो यहाँ पे afraid of आ गया। Different from,
डिफरेंट फ्रॉम मतलब अलग होता है, डिफरेंट का मतलब तो आप जानते हैं, द फिल्म इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैड एक्सपेक्टेड, मैं जो सोचा था उससे पिक्चर डिफरेंट है, मैं जो सोचा था उससे पिक्चर डिफरेंट है, तो यहाँ पे फ्रॉम लाएगा, द फिल्म इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैड एक्सपेक्टेड। आगे बढ़ते हुए इंटरेस्टेड के साथ आता है इन, ध्यान रखिए इंटरेस्टेड के साथ इन आता है, आप वॉइस में भी बनाएंगे जब इंटरेस्ट वर्ब में इंटरेस्ट रहेगा, तो आप जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको कहा जाएगा कि कुछ वर्ब्स होते हैं कि जिनके साथ वी थ्री लिखकर, आप जानते हैं पैसिव वॉइस में बाय लिखा जाता है, तो बताया जाएगा कुछ वर्ब्स होते हैं जिनका वी थ्री फॉर्म के साथ बाय नहीं आता है, उसमें एक एग्जाम्पल रहेगा इंटरेस्टेड के साथ इन का, वही इंटरेस्टेड इन यहाँ भी आया है। नेहा इज इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, नेहा इसको स्पोर्ट्स में रुचि है या अभिरुचि है। डिपेंडेंट ऑन, डिपेंडेंट मतलब होता है निर्भर, निर्भर, तो आई डोंट वॉन्ट टू डिपेंडेंट ऑन एनीबडी, मैं किसी पर निर्भर होना नहीं चाहता हूं, तो यहां पर डिपेंडेंट ऑन हो जाएगा। फेमस फॉर मतलब प्रसिद्ध, फेमस फॉर का मतलब होता है प्रसिद्ध। कश्मीर इज फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट, कश्मीर अपनी हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो आपने अभी देखा कि प्रेपोजिशंस का प्रयोग एडजेक्टिव्स के साथ भी करते हैं, और मैंने बताया कुछ एडजेक्टिव्स का एग्जांपल दिया, साथ में उसके प्रेपोजिशंस के एग्जांपल दिया, बताया कि आपको ध्यान रखना है कि इन वर्ड्स के साथ जो प्रेपोजिशंस है इनका प्रयोग होता है और मोस्टली होता है। अब आगे के वीडियो में हम देखेंगे एक एक प्रेपोजिशंस के बारे में, अबाउट के बारे में, हिंदी में क्या मीनिंग है सबका सेंटेंस, और कुछ वर्ड्स भी लिखेंगे जिनके साथ अबाउट का प्रयोग हम मोस्टली करते हैं। तो अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।